बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज ज़ैनुल आबिदीन और हाजिर हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। चलें आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मेरी ना आवाज़ से थोड़ा लग रहा होगा जैसे मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन सुबह सुबह का भी टाइम है ना, तो तबीयत नहीं ख़राब है, ऐसे ही सो के उठाऊँ। मैं नमाज़ पढ़ के तो पहले सो गया था और बाद में साथ पढ़ रहा था। अभी अभी जान ने उठाया है कि डेरे से दूध लाना है भैंसों का, तो वो मैं अभी मैं लेने जा रहा हूँ। तो ये देखे चादर भी मैंने ली हुई है, सर्दियाँ आ गई है। सही सर्दियाँ तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी थोड़ी सर्दी ज़रूर लगती है। हाफ वो शर्ट मैंने पहनी हुई है, तो मैंने कहा चादर भी ऊपर ले लेते हैं, ज़्यादा ठंड ना लगे। तो चले चलते हैं फिर दूध लेने डेरे। ये पानी इसलिए लाया हूँ ताकि एक्सरसाइज करनी है ना थोड़ी थोड़ी सुबह, तो ये साथ पानी पिएगी। तो अभी इसको इस घर रख के ना पानी को, तो फिर चलते हैं डेरे। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो वो मेरे ताए का बेटा भैंसों का अभी दूध निकाल रहा है, तो अभी अबू जान ने भी शायद निकाल लिया हो। तो चलें डेरे चलते हैं, तो लेके आते हैं दूध। सूरज अभी आस्ता आस्ता सही निकल रहा है, टाइम तकरीबन 7 बजे बज गए होंगे, तो फिर जल्दी चलते हैं, आपके स्कूल भी जाना है। अभी ना एक आप बात आपको बताऊँ, क्योंकि गांव में ना सर्दियाँ जो है ना वो ज़्यादा होती है बनिस्बत शहरों के, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं और धुआँ वगैरह, तो थोड़ी गर्मी टाइप होता है। लेकिन यहाँ ये देखिए हर तरफ हरियाली हरियाली है, और ओस की वजह से ना सही सर्दी हो गई, तो इसलिए गाँव में जल्दी सर्दी आ गई। लेकिन अभी आप शहर में किसी को देखें ना, तो उसने नहीं ऐसे लिए होगी चादर वगैरह, बस ऐसे ही घूम फिर रहे होंगे। इसलिए शहर की नस्बत ना गाँव में ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए सर्दी अभी सही आई भी नहीं। तो ये देखिए ये हाल है, तो अगर सर्दी आ गई तो फिर क्या हाल होगा हमारा। ये देखिए इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ सब्जियाँ वगैरह लगा दी हैं, वो साथ आलू, ये आलू है ये सारे, उसके साथ वो थोम वगैरह, उसके वो दूसरी साइड पे पालक वगैरह लगाई हुई है, तो माशाल्लाह ये भी सही उग रहे हैं। हमने भी लगाए हुए हैं, लेकिन उनको पानी कल मैंने परसों या दोपहर को दिया था, तो पानी भी अगर टाइम से पानी मिलता रहे ना इनको, फिर ये सही होते हैं। इन्होंने माशाल्लाह सही भरी हुई है पानी से, साफ गीली लग रही है नीचे से। अभी ये देखें ये गन्ने की फसल है, लोग जिसने ऐसे ही गन्ना खाना हो ना वो भी खाए, लेकिन अभी ये ना भैंसों के लिए काट रहे हैं और भैंसों को ही ऐसे दे देते हैं। तो अभी मेरा भी दिल कर रहा था, लेकिन सर्दी है ना, तो इसलिए मैं जा नहीं रहा गन्ना लेने। अभी ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं सुबह पे सुबह सुबह दांत थोड़े साफ करूँ, लेकिन सुख चैन का दरख्त गाँव में है, तो अभी मैं आधे रास्ते में आ गया हूँ। तो चले अभी पहले अपना काम करके आते हैं, तो बाद में आके फिर मसवाक ले लेंगे गाँव से। अभी ना सर्दियाँ सही आई नहीं, लेकिन उठने को अभी दिल नहीं करता, लेकिन जब मैं सोच रहा हूँ कि सही सर्दियाँ आ जाएंगी फिर क्या होगा, अभी तो बस वैसे ही झलकी है ना, तो सुबह सुबह ना उठने को दिल करता है, नमाज़ पढ़ने जाने को भी दिल नहीं करता, लेकिन घर वाले उठा उठा के, मैं तो कभी कभी पढ़ा रहता हूँ लेकिन फिर भी भेज देते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो स्कूल भी जाना पड़ना है अभी, चलें टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से ना उधर से सर्दी भी आती रहनी है, तो इसलिए उठना ही पड़ना करना, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलना, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लगती है सुबह सुबह, साथ साथ ठंड लगती है, लेकिन कंबल लेके ना सोने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। डेरा भी हमारा काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो अगर बंदा पैदल चल के आए ना तो सही वॉक हो जाती है। जब मैं उठा था ना नमाज़ पढ़ के मैं आके सो गया था, दोबारा जब उठाऊँ ना तो आंखें नहीं थी सही खुल रही, लेकिन अभी यहाँ तक चल के आया हूँ ना तो सही होश आ गई है मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा वॉक भी हो जाती है, सांस भी थोड़ा थोड़ा मेरा फूलने लगा। ये देखिए हर अब जो भी ना पहली जो फारिग हो रही है ना, जहाँ मूंजी की फसल जिसे काट लेते हैं, तो यहाँ बरसीम की काश्त कर दी है, टाला जिसे बोलते हैं, तो कई लोग आलू मटर यहाँ बरसीम तो हर जगह पे है तकरीबन, क्योंकि अब भैंसों को चारा वगैरह बरसीम कई सब्जियों में डालना है। तो ये उस दिन जो वीडियो बनाई थी ना, ये आलू वाली और साथ मटर, ये उन्होंने हर इनको ना हर तकरीबन वक्त ना स्प्रे और आलू की स्प्रे और पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अभी भी देखें गीले हैं, इनको सूखने नहीं देना इन्होंने।
मैं 3-4 दिन बिजी, 3-4 दिन से मुराद है कि 10-12 दिन मैं बिजी क्या रहा हूँ कि ये देखे भी जो स्टाला भी जो है ना उसकी भी कास्ट कर दी है, जो बरसीम जिसे बोलते हैं, तो थोम वगैरह लगा दी है हमने, वो एक और का लिया है, वहाँ भी स्टाले की कास्ट की हुई है बरसीम, तो यहाँ भी तो मुझे पता ही नहीं। तो ये माशाल्लाह उग भी गया, तकरीबन 5-6 दिन हो गया इसे शायद कास्ट किए हुए, तो मैं डेरे नहीं आया, तो अभी आया हूँ तो अभी इसको देखा है। ये अभी सुपर जो है ना मुंजी, ये अभी पकने वाली है तकरीबन 10-15 दिन में, तो अभी तो सर्दियां आ गई हैं इसे पकते पकते, पहले तो पक जाती थी पहले या मुझे नहीं पता। तो ये देखें ओस भी माशाल्लाह इस पे काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है, सुबह सुबह का टाइम है। अभी पहुंच गए हैं जी डेरे, तो दूध लेके चलते हैं, इसी के साथ हमारी वॉक भी हो गई और काम भी हो गया आज। जूस अभी ले लिया, अबू जान शायद कहीं गए हैं, तो हम चलते हैं। अभी ले लिया जी दूध, अभी इसको घर जाके तो गर्म करके ना पी के स्कूल चलेंगे। कल भी मैं स्कूल से लेट हो गया था, तो अपने पैसों से फिर फाइन देना पड़ा था उधर 20 रुपये। दूध अभी मैं ले आया हूँ ढेरे से, तो अभी इस घर इसलिए रुका हूँ कि एक्सरसाइज करनी है, 5-10 मिनट यहाँ लग जाने हैं, तो मैंने कहा दूध इधर रख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। तो रेडी हो गए ना यूनिफॉर्म पहन के, तो चलते हैं स्कूल। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि विलेज लाइफ वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।